प्रोडक्ट्स आपको कौन सा जीवन देता है? हेल्दी लाइफ स्टाइल देती है। ऑनर स्प्राइट नेवर हेल्दी, बाजू वाला हमेशा ताकता रहता है, पर डॉक्टर के पास जाना बन गया यार इससे। मैं भी एक कर्जे में मीटिंग ली थी, सवा साल के बाद मैंने पहले खोपोली में, सवा साल पहले खोपोली में मीटिंग ली थी, तो वो औरत पनवेल से मुझे मिलने को आई थी ये कहने को। उस वक्त आपने कहा था आपकी वाली चाय बदल दो, ब्रांड चेंज करो, साबुन चेंज करो। मैंने हंसी मजाक में लिया था, भोसले साहब के पास से एक चाय इस चीज के लिए लेके गई ताकि मैं आपको गलत साबित कर सकूं। उसका वीडियो है मेरे पास, मुझे गलत साबित कर सकूं। और वही औरत मुझे कर्जत आके इसलिए मिल रही है कि हर 7 दिन में 10 दिन में उसको डॉक्टर देखना पड़ता है, और हर उसका वीडियो है मेरे पास। 1 जनवरी और उसका बर्थडे है 23 जून, तो हमेशा वो हॉस्पिटल में बिताती है। क्या मजा, हर 6 महीने में डॉक्टर के पास, हर 6 महीने हॉस्पिटल में, हर 10 दिन में डॉक्टर के पास। वो ये कहने को आई थी, मैंने आपको गलत साबित करने के लिए मैं गलती से ऋषि ज्ञान की ली थी। कौन सा ऋषि? और आपको ये कहने को आई हूँ मैं गलत थी, प्रोडक्ट सही था। प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं? ये बीएसएन प्रोडक्ट है, क्वालिटी आपको देखनी नहीं पड़ती, डॉक्टर लिंग देखते। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना नहीं पड़ता, डॉक्टर लिंग देखते। आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, डॉक्टर लिंग देखते। आपको सिर्फ क्या करना है, आए नीड टू टेक अ डिसीजन। लेना मुझे खुद को इन्वेस्ट करना है, आई नीड टू इन्वेस्ट माई सेल्फ फॉर द इंटरनेशनल। खुद को किस लिए तैयार करना है? ग्लोबल के लिए। जितना आप ग्लोबल जाओगे आपका कंज्यूमर बढ़ेगा, आपके लोग बढ़ते गए तो आपका बोनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। आपके लोग क्या होंगे? प्लस होंगे, तो आपका बोनस कैसे आएगा? मल्टीप्लीकेशन में आएगा। बढ़ेगा बोनस? कंज्यूमर बढ़ेंगे तो बोनस बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्या घटेगा? बढ़ेगा। अगर मेरा कोई ब्राजील में कुछ खरीदी करता है तो मैं भारत में बैठकर उसका पैसा का मजा ले सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है? लोगों को जोड़ना है, और मेरा बोनस क्या होता रहेगा? मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ेगा। लेकिन ये कैसे आएगा? मैं एक ही जगह पे दुकान खोल के बैठूंगी तो मेरी सिर्फ हर रोज की आमदनी आएगी, मैं खुश रहूंगी। लेकिन लेकिन मुझे मेरे भविष्य में और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर मजबूत करना है, एक सांपत्तिक स्थिति बनानी है, एक सिस्टम जनरेट करना है, एक आजादी देनी है, तो मुझे एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे फ्रेंचाइजी बनानी ही पड़ेगी। और इसका एक उदाहरण मैं बोलती हूँ, मैं प्रभा देवी में हूँ। आप सब लोग गूगल सर्च कर सकते हो ना? कितने लोग गूगल सर्च कर सकते हो? मजाक लगा मुझे जब एक नाम मैंने मेरे एरिया में देखा, मजाक लगा मुझे, सच्ची मजाक लगा। लोग क्या करते हैं देखो, हम ये भी नहीं सोचते कि लोग क्या कर सकते हैं। जर्मन ये कंट्री देखी है आपने? जर्मनी ये नाम सुना है? हाँ, जर्मनी कंट्री है, हाँ, है, हाँ? है। ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल जीते हैं, ये बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल जीती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया सी है। मैं कंज्यूमर फ्रेंचाइजी का पावर आपको बोलना चाहती हूँ। हमारे यहाँ प्रभा देवी में एक आप पढ़ोगे? कोई पढ़ेगा ये? यस, जर्मन लॉन्ड्री है। और ये क्या है जर्मन लॉन्ड्री? तो ये है फ्रेंचाइजी। और यहाँ पे क्या मिलता है? आपके अंदर वाले बाहर वाले सब कपड़े धुला के मिलते हैं। क्या करके मिलता है? अंदर वाले बाहर वाले सब कपड़े। यहाँ पे और एक चीज करके मिलती है, शूज केयर, कैप केयर। मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि हम एक जगह पे बैठ के नहीं समझ सकते। शूज केयर, कैप केयर, मतलब वो पॉपुलर भी है, सिर्फ लॉन्ड्री नहीं चला। और ये क्या करते हैं? कैप केयर। और उसके आगे जाके और भी है, व्हाट दे डू इज अ बैक केयर। इनके यहाँ जब धुलवाने के लिए चीजें आती है, धुलवाने के लिए आते हैं, तो उसका जो रिपेयरिंग है वो भी करके देते हैं। शूज का रिपेयरिंग करके मिलेगा, कैप का, बैग का, सबका रिपेयरिंग भी करके मिलता है।
द कंट्री विच इज अ टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न लाइफस्टाइल वाली कंट्री है, वो कंट्री हमारे यहाँ कौन कंज्यूमर ढूंढ रही है? तो लॉन्ड्री वाले, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ड्री कोई नहीं करता है क्या? हमारे यहाँ लोग लॉन्ड्री वाले हैं ना, बट द लाइफस्टाइल जो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो बड़े टावर्स में रह रहे हैं उनको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। उनको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो सर्विस की रिक्वायरमेंट ये पूरा कर रहे हैं। और जब मैंने प्रभादेवी में ये देखा और फिर सोचा अरे पागल करे निकल गई, फिर उसी जर्मन लॉन्ड्री का ब्रांच मैंने वर्ली में खुलते हुए देखा, तब समझ में आया व्हाट इज द पावर ऑफ कंज्यूमर फ्रेंचाइजी। क्योंकि टावर वाले लोग बाइयों को घर पे नहीं बुलाएंगे, या तो उनकी बाइया कुछ घर पे काम नहीं करेंगे, उनको सर्विस चाहिए। उनको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए, वो भी हाई टेक्नोलॉजी। और जर्मन लॉन्ड्री क्या दे रही है? हाई टेक्नोलॉजी, जो वहां पे अच्छी सी टैबलेट्स, फार्मास्यूटिकल बिलोंग टू द जर्मन कंट्री एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हमको वो सर्विस देके क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? वहां कहाँ से कमा रहे हैं? आप सोचो फ्रेंचाइजी का पावर कितना है? बहुत है पावर। एक एक रुपया उठाते सेवा, वो एक छोटे का 900 रुपया लेता है, जेंट्स का एक कुर्ता लेता है ना 900 रुपीज लेता है। एग्जैक्टली, उनका जब टैरिफ आप देखोगे ना, फिर मैंने सर्च किया गूगल में जाके, वोट इज जर्मन लॉन्ड्री धुई, क्या धुलती है, तो पैसा धो के लेके जाते हमारा। उसके आगे सोच के उसको बाजू में एक गाड़ा खाली हो गया, एक दुकान जो शॉप खाली हो गया, बराबर है। अभी बंदा अच्छे से कमा रहा है, लेकिन इट्स अ रिक्वायरमेंट। जब शॉप एक गाड़ा मतलब दुकान, गाड़ा समझते हैं ना, दुकान खाली हो गया, तो फिर वो दुकान कौन लेगा? वही लेगा, जिस राष्ट्र में हम जाने के लिए शेंगेन वीजा, वो वीजा, ये पैसा लगाओ, यूरो कमाओ, क्योंकि यूएसडी से यूरो महंगा है, वो लोग हमको कहाँ कहाँ से धो धो के लेके जा रहे, धो के लेके जा रहे ना, धो के लेके जा रहे, अच्छे से धो के लेके जा रहे ना, बराबर भूले नहीं थे, धो के लेके जा। उसके बाजू में कौन सा आया? फ्रेंच लॉन्ड्री है। और फिर वही फ्रेंच लॉन्ड्री वर्ली में भी आया, क्योंकि टावर्स मेरे यहाँ 50 फ्लोर 70 फ्लोर के बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको सर्विस कौन देगा? उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट हो गई। तो अभी ये जो धुलाई का उनका काम चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर पावर यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको सेवा देनी है और यहाँ से हमको पैसा देना है।